हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यह है कि आज मैं ब्रीडिंग बॉक्स बना रहा था बजीज पैरेट के, वो भी घर पर बना रहा था मैं। और घर पर कम खर्च में कैसे आप ब्रीडिंग बॉक्स बना सकते हैं अपने? जैसे बाहर से हम अमेजोन से ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है, वो 400-500 रुपये एक ब्रीडिंग बॉक्स आता है। तो इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 50 से 60 रुपये होगी, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी। तो वीडियो के साथ बने रहें अंत तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने टुकड़े काट लिए हैं और आगे से इसमें मैंने आने जाने का भी 2.5 इंच का मैंने होल रख दिया है आने जाने के लिए। इसमें नाप के दिखाता हूँ मैं कितने चौड़े हैं ये और कितने लंबाई है इनकी। तो देख सकते हैं 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच इसकी ऊंचाई रखी है मैंने। तो बजी इसके पैर के लिए इतना सही रहता है वैसे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो ये 2.5 इंच का मैंने होल रखा है इसका आने जाने के लिए। इसके बाहर हम एक लकड़ी लगा देंगे बैठने के लिए इस पर, ताकि बर्ड्स हमारा इस पर बैठे लकड़ी पर और सीधे अंदर जाए। तो मैं जोड़ के भी दिखाऊँगा आपको पूरा ही, और कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है मेरे साथ तो मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा ये। बाकी मैं ट्राईपॉड की व्यवस्था कर रहा हूँ अब, अभी साइटें थोड़ी बंद चल रही हैं अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे। और ये सारा सामान मेरे घर पे ही पड़ा था तो मुझे कहीं से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे यहाँ सामान था पड़ा हुआ, देखा होगा आपने, वेंटिलेशन का वो काम चल रहा था तो उसी से मैंने ये टुकड़े भी कटवा लिए थे मशीन से ही। तो खाली मुझे जोड़ना है बस इसे, 3 साइड से जुड़ गया है ये, 2 साइडें रह गई हैं, एक ऊपर का ढक्कन है ये और ये साइड की एक प्लाई है। तो ये मैंने सब जुगाड़ से ही करा काम, नई प्लाई खरीद के लाया था मैं किसी काम के लिए, तो मेरे पास पड़ी भी थी वो, तो मैंने सोचा इस काम में ले रहे हैं। वैसे ब्रीडिंग बॉक्स बनाने लायक नहीं है ये, क्योंकि बहुत फूली हुई सी प्लाई है, बेकार होती प्लाई है। अगर आप बनवाना चाहते हैं ब्रीडिंग बॉक्स तो लकड़ी चिरवा के, गिल्टे जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको चिरवा के लकड़ी को, तब उसके पटलों का तब बनाएं। बाकी मैंने काम चलाऊ बना लिया है। इसमें कब्जा लगाया मैंने 3 इंची का ही और स्क्रू लगा दिए हैं, तो बहुत बढ़िया, मतलब परफेक्ट बन गया है, बहुत अच्छी तरीके से। स्टिक भी देख सकते हो बहुत हार्ड है, अंदर स्टिक पे बैठेगा बर्ड और सीधे अंदर जाएगा। स्पेस भी अच्छा खासा, अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हो स्पेस भी अच्छा खासा, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बजीज होती कितनी छोटी सी बजीज, और 4 से 5 अंडे देगी वो, बच्चे आराम से पल जाएंगे। बाकी मैं ज़्यादा बच्चे होते हैं कॉलोनी में तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ इधर उधर। और 2 ब्रीडिंग बॉक्स बनाए थे मैंने ये, तो एक और दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये जुगाड़ से बनाया मैंने, और कुछ भाई हमारे गंगे के कैसा बनाए, टेढ़ा है वेढ़ा है, तो मैंने खाली जुगाड़ से बनाया है, जितनी लकड़ी थी मेरे पास अवेलेबल उसी में मैंने एडजस्ट कराया इसको, बाकी अलग से कुछ नहीं लेके आया हूँ। सब घर पर पड़ा था सामान टूटा फूटा, तो उसी से मैंने बना दिया है ब्रीडिंग बॉक्स। और 2 पहले थे मेरे पास ब्रीडिंग बॉक्स, 2 ये हैं। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।